नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में कल दूसरे चरण का चुनाव है, 94 सीट्स पे हुआ। पहले चरण का 28 अक्टूबर को हुआ था। महागठबंधन काफ़ी उत्साहित है, खासतौर से तेजस्वी यादव। इधर एनडीए जो है वो दो लड़ाइयाँ लड़ रहा है, एक महागठबंधन से और अपने दूसरे विरोधियों से, और दूसरा एनडीए के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई क्या है? बीजेपी और जेडीयू में कहीं ना कहीं अविश्वास की खाई है, और इस खाई को बढ़ा रहे हैं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने को उनका हनुमान बताते हैं, और जेडीयू और बीजेपी के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि बीजेपी ने बार बार ये बयान दिया कि चिराग पासवान से एनडीए का कोई वास्ता नहीं है और वो प्रधानमंत्री के तस्वीरों का इस्तेमाल न करें, लेकिन प्रधानमंत्री जितनी भी रैलियाँ की है बिहार में, उन्होंने एक में भी चिराग पासवान पे वार नहीं किया, तो इसका मतलब समझा जा सकता है। दूसरी बात ये आ रही है कि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी उनको हराना चाहती है, बट अब बीच चुनाव में या चुनाव के ऐन मौके पर उन्हें पता चला तो वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन नीतीश कुमार को कम नहीं समझिए, बहुत ही होशियार और सुलझे हुए राजनेता हैं। परिणाम आने के बाद कौन सा दांव खेल सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ करके और एनडीए में आकर के फिर से सरकार बना सकते हैं, तो क्या वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ करके और महागठबंधन के साथ नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। इस पर क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, देखिए आज उन्होंने एक सियासी बम फोड़ा है, सुनिए। तो ये अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है, और ये अविश्वास बिना आग के धुआं नहीं निकलता, ये अविश्वास बिना मतलब के नहीं कहीं पर पैदा हुआ है, ये मौजूदा मुख्यमंत्री की सोच का ही नतीजा है। मौजूदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं, अगर इनको पलटने का पंडी राम जैसे जो भी नाम लोग देते हैं, क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ना भैया कि आप बार बार आप जिसका विरोध करते हैं उसी के साथ जाकर आप सरकार बना लेते हैं। 2005 से 2015 तक घोर विरोधी आप रहे लालू जी के, उन्हीं का विकल्प बनकर आप आए थे सरकार में। जंगल राज का की बात कर करके जिस सरकार, जिस बिहार की जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज 2015 में उन्हीं लालू जी के समर्थन के साथ आपने सरकार बना ली। 10 साल तक आपने उनका विरोध किया और फिर उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। 2013 से निरंतर 2017 तक मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार जी विरोध करते रहे, और 2017 में फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो भैया अब आज आप किसका विरोध कर रहे हैं? आज आप पुनः महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं, तो कैसे कोई माने कि 10 तारीख को परिणामों के बाद आप पुनः मिलकर सरकार नहीं बना लेंगे महागठबंधन के साथ? मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कुर्सी सत्ता का मोह मौजूदा मुख्यमंत्री को इस कदर, इस हद तक है कि वो कुर्सी के बिना, सत्ता के बिना मुख्यमंत्री रह नहीं सकते। उसके लिए उनकी नीति मायने नहीं रखती, उसके लिए उनके सिद्धांत मायने नहीं रखते, उसके लिए वो किसी हद तक, किसी स्तर तक वो जा सकते हैं समझौता करने के लिए। जब वो लालू जी के साथ समझौता कर सकते हैं, गलबैया कर सकते हैं 2015 में, उनके साथ तस्वीरें खिंचा सकते हैं गले लगा लगा के, उनके साथ मिलकर सरकार बनाना तो दूर, सरकार चलाई भी उन्होंने 3 साल, उन्हीं के परिवार के लोगों को डिप्टी सीएम के तौर पर मिलकर उन्होंने सरकार चलाई, और आज जिस प्रधानमंत्री जी के साथ मन साझा करते मुख्यमंत्री नहीं थक रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए नहीं थक रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मौजूदा मुख्यमंत्री आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भैया किसके आशीर्वाद से बने हुए हैं? महागठबंधन जब छोड़कर आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने इनको आशीर्वाद दिया ना कि चलो तुम दोबारा से आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पद के दावेदार बनने के लिए एकदम व्याकुल थे, और ये व्याकुलता उनकी अभी शांत नहीं हुई है। ये जो सुबहाट चल रही है, और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि लालटेन जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सोच है ये कि अगर चुनाव परिणाम आएंगे, बाद में इन लोगों ने भूमिका भी बांधनी शुरू कर दी। कल कुछ भाजपा के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, और स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर आयकर विभाग के छापे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने भूमिका बांधनी शुरू कर दी, परिणामों के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, बोलेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग के साथ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग को धोखा दिया, हम लोग को अपना साथ नहीं दिया, हम लोग को अपना समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे और हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी 2013-14 की वही कामना है कि मैं कैसे प्रधानमंत्री का दावेदार बनूं, महागठबंधन के साथ जाएंगे। 2024 में पुनः ये विपक्ष के सामने से ये आना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से ये आना चाहेंगे कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने फिर से ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा बने।
तो जैसा कि आपने चिराग पासवान को सुना, उनका कहना है कि वो पलटी मारने में तेज है, वो पलटी मारेंगे। दोनों के बीच में अविश्वास की खाई है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के कैंडिडेट को हराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो नीतीश कुमार की राजनीति है, वो राजनीति और उनका जो निशाना है वो है 2024, क्योंकि बिहार के राजनीति में वो उतने अब सटीक नहीं बैठेंगे। तो 2024 में वो क्या चाहते हैं, 2024 में वो विपक्ष की तरफ से पीएम का चेहरा बनना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि जब ये महागठबंधन के साथ गए थे तब ये बातें काफ़ी हुई थी। अभी यदि 2024 में मोदी का मुकाबला करने के लिए चेहरों की तलाश की जाए तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी कहीं फिट बैठते नहीं हैं और विपक्ष में ममता बनर्जी तुनक मिजाजी हैं। तो नीतीश कुमार के लिए एक तरह से कह सकते हैं स्पेस खाली है कि भाई 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, केंद्र में रेल मंत्री समेत तमाम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अनुभव है ही। तो हो सकता है कि उनके मन में ये बात हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दीबाजी होगी कि दूर की कौड़ी है। पहले सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या रिजल्ट आता है, क्या तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ जुट रही है वो वोट में तब्दील हो रही है क्योंकि उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का वायदा किया है, या फिर से एनडीए बाजी मार ले जाती है इस खींचतान के बावजूद। यदि खींचतान के बावजूद एनडीए बाजी मार ले जाती है तो बीजेपी क्लियर कर ही चुकी है कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे। इस पर हमारी नज़र रहेगी और बहुत ही वहाँ की राजनीति जो है ना रोज करवट बदल रही है, और जैसे कोई अपडेट और मिलेगा या इसमें कुछ ऐड ऑन होगा जुड़ेगा हम आपको जरूर बताएंगे, साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और